पटना समेत बिहार के कई ज़िलों में बारिश हो रही है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये पटना की तस्वीर है जहां पर बारिश हो रही है और बिहार में ठंड से दो लोगों की मौत भी हो चुकी है। पटना समेत कई ज़िलों में आज शाम बारिश हुई है। बेमौसम हुई इस बारिश में ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। बिहार में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। पटना सहित राज्य के अधिकतर ज़िलों में कोहरा की वजह से कनकनी भी बढ़ गई है। बीते दिन ठंड के कारण सिवान और लखीसराय में दो लोगों की मौत भी हो चुकी है। घना कोहरा होने के कारण रेल, विमान और बस सेवाएं चरमराई हुई हैं। शुक्रवार को पटना में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर तक पहुंच गई। वहीं ग्रामीण इलाकों और नदियों के किनारे अमज 50 मीटर के आसपास रही। वहीं पटना की बातचीत करें तो पटना में सुबह से ही मौसम का हाल बुरा रहा। सुबह से ही आज शीतलहर की शुरुआत हो गई। पटना में काफ़ी दिनों के बाद ठंड के शुरू होने के काफ़ी दिनों के बाद शीतलहर की शुरुआत हुई है। सुबह की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि किस तरीके से सुबह में भी स्थितियां जो हैं वो गड़बड़ हुई थी। पटना में ठंड की आज से शुरुआत हो चुकी है, शीतलहर की शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि ठंड की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी लेकिन लोग शीतलहर का इंतज़ार जो है वो कर रहे थे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड नहीं है लेकिन मौसम में नमी जो है अब देखने को मिल रहा है। पटना में पिछले 3-4 दिनों से मौसम थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी लेकिन आज जाके शीतलहर की शुरुआत हो गई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पटना की ये सड़क है और फॉग किस तरीके से पटना में बड़ा हुआ है। सुबह से ही आज का मौसम गड़बड़ था और थोड़ी सी धूप की किरणें जो हैं वो दिखाई दी लेकिन उसके बाद किरण गायब हुआ और पटना में ठंड की शुरुआत, शीतलहर की शुरुआत आज से हो गई है। पटना की ये सड़क है और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ धुंध ही दिखाई देगा। आप देख पाएंगे पटना समेत कई ज़िलों में स्थितियां जो हैं वो अब धीरे धीरे शीतलहर के रूप में तब्दील हो रही हैं और धुंध जो है